नमस्ते, आई एम आरती चावला एंड वेलकम टू माय चैनल द इंडियन ग्लैम गर्ल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने मेकअप ब्रशेस और ब्यूटी ब्लेंडर्स का कैसे ख्याल रखती हूं, मैं उन्हें कैसे क्लीन करती हूं और सैनिटाइज करती हूं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये है कुछ मेकअप ब्रशेस और ब्यूटी ब्लेंडर्स जिन्हें ज्यादातर मैं यूज करती हूँ। इन्हें क्लीन करने के लिए मैं यूज करती हूँ गार्नियर माइसेलर वाटर, जिसको मैं बोल में पोर कर लूंगी। सबसे पहले मैं अपने आई शेडो ब्रशेस क्लीन करूंगी, फिर मैं ब्रशेस को माइसेलर वाटर में स्वर्ल करूंगी और वहीं पे डिप करके रख दूंगी 5 to 10 minutes, सो दैट उसके पिगमेंट ब्रेक होना शुरू हो जाए। माइसेलर वाटर मेकअप के पिगमेंट्स को जल्दी ही मेल्ट डाउन और ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, इसीलिए मैं माइसेलर वाटर ही यूज करती हूँ। अब इन ब्रशेस को मैं 5 to 7 minutes तक डिप करके रखूंगी। एंड नाउ यू कैन सी कि कैसे इस आई लाइनर ब्रश से पिगमेंट सेपरेट हो रहा है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है एक जेंटल शैम्पू लेना। यहाँ पे मैंने एक बेबी शैम्पू लिया है और इसे मैं बोल में पोर कर दूंगी एंड शुरू करूंगी अपने ब्रश को इसमें स्वर्ल करना। सो आप देख ही सकते हो कि कैसे आई शेडो का पिगमेंट एकदम से सेपरेट हो रहा है ब्रश से, एंड दिस इज वॉट वी वॉन्टेड। This was really satisfying. अब एक एक करके मैं अपने सारे ब्रशेस को इसमें स्वर्ल करती जाऊंगी। दो मिनट के लिए मैं अपने सारे ब्रशेस को शैम्पू में छोड़ दूंगी और तब तक हम चलते हैं आगे और अपने फेस ब्रशेस को माइसेलर वाटर में डिप कर लेते हैं। अब क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा है लेवल, तो आई विल पुट मोर ऑफ माइसेलर वाटर एंड डिप माय ब्रशेस। ब्रशेस को मैं थोड़ा स्वर्ल कर रही हूँ, डिप कर रही हूँ, थोड़ा मिक्स कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट के वो पिगमेंट मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। अब क्योंकि ये फ्लैट ब्रश है तो इसे मैं स्वर्ल नहीं करूँगी, बट खाली मिक्सिंग मोशन में इसे थोड़ा 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 मिक्स करके आई विल जस्ट कीप इट। एंड फ्लैट ब्रश को आपको मेक श्योर करना है कि आप उसका शेप ट्विस्ट एंड टर्न ना ही करें तो बेटर है। अब इन सारे ब्रशेस को मैं 5 to 10 minutes के लिए डिप करके रख दूंगी। ऑल्सो आई मेक श्योर कि किसी का शेप चेंज नहीं हो रहा है। और इसके बाद हम अभी आगे बढ़ेंगे एंड अपने आई शेडो ब्रशेस को वॉश करेंगे। मूविंग ऑन टूवर्ड्स माई वॉश बेसिन, वाटर फ्लो को मैं एकदम स्लो रखूंगी एंड आई स्टार्ट स्वॉलिंग एंड क्लीनिंग माई ब्रशेस। एंड आपको ये ध्यान रखना है कि आप बहुत ही जेंटल काम कर रहे हो ब्रश के साथ, उसका शेप और उसके ब्रिसल्स को हार्म नहीं कर रहे हो। हमारा लास्ट स्टेप है सैनिटाइज करना। इस बोल में मैंने पानी और 4 to 5 drops डेटॉल डाला है और मैं इन ब्रशेस को इसमें 2 to 3 minutes के लिए छोड़ दूंगी। अब मैंने लिया है क्लीन क्लोथ और टिश्यू पेपर, आप नैपकिन भी यूज कर सकते हो। अब हमें बहुत ही जेंटली ब्रश के ब्रिसल्स में से एक्सेस वाटर निकालना है, मेकिंग श्योर कि आप उसका शेप चेंज नहीं कर रहे हो एंड उसके हैंडल्स को भी क्लीन करना है। फ्लैट ब्रश के ब्रिसल्स पे हम सिर्फ जेंटली टैप करेंगे ताकि उसका एक्सेस वाटर निकल जाए एंड दैट्स इट। And we are done with our eye makeup brushes and will quickly move on to and clean sanitize our face brushes. इन ब्रशेस को भी वेरी जेंटली हमें शैम्पू में स्वर्ल करते हुए क्लीन करना है।
चेंज द शैम्पू जब आपको लगे कि वो बहुत ज्यादा डर्टी हो चुका है। फ्रेश शैम्पू में मैं हमेशा क्लीन्ड ब्रश को वापस से स्वर्ल करती हूँ और उसके बाद उसमें डर्टी ब्रश क्लीन करती हूँ। थोड़ा एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि चलो आपका वो ब्रश और ज़्यादा क्लीन हो गया। नाउ फॉर दैट एक्स्ट्रा क्लीनलीनेस आई डू टेक माई हैंड वॉश एंड अपने ब्रशेस को हैंड वॉश में स्वर्ल करते हुए क्लीन करती हूँ। अब आपको आपके ब्रशेस को बिल्कुल भी पुल नहीं करना है। आई एम ओनली रिमूविंग द एक्सेस वाटर फ्रॉम देम। And now it's the time to sanitize our face brushes. अब मैं इन ब्रशेस को भी डेटॉल वाटर में एक से दो मिनट के लिए रख दूंगी एंड मेकिंग श्योर कि किसी का शेप चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद आई विल स्टार्ट वाइपिंग द ब्रशेस एंड कीप देम फॉर एयर ड्राइंग। Now moving on and cleaning our beauty blenders, मैं इनको भी एक से दो मिनट के लिए डेटॉल वाटर में छोड़ दूंगी एंड फिर हम चलेंगे मेरी वॉश बेसिन की तरफ। ब्यूटी ब्लेंडर्स के लिए भी मैं पहले हैंड वॉश ले लूंगी एंड उसमें जेंटली अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स को क्लीन करूंगी। बहुत ही जेंटली आपको मसाज करना है ब्यूटी ब्लेंडर्स को और प्रेस करना है सो दैट उसमें कोई कट्स ना आ जाएं। आई प्रेफर कि मैं ब्यूटी ब्लेंडर्स और ब्रशेस को डबल क्लेंस करूं जब तक कि उनमें से क्लियर वाटर नहीं पास होता। ब्यूटी ब्लेंडर्स हो या मेकअप स्पंज हो मैं उन्हें रेगुलरली वॉश करती हूँ मेकअप करने से पहले भी और मेकअप करने के बाद भी। अपने मेकअप एप्लीकेटर्स को क्लीन एंड सैनिटाइज रखना इज अ रियली इम्पॉर्टेंट थिंग एंड उसका इम्पैक्ट आपके स्किन पे भी दिखेगा। Now it's time to clean my beauty sponge and पानी में सिर्फ प्रेस करने से आप देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट्स को नहीं निकाल पाता है सो यूजिंग अ हैंड वॉश फॉर इट इज रियली इम्पॉर्टेंट। अगेन बहुत ही जेंटली इसे भी मसाज करते हुए इसको मैं पानी के अंदर डाल के प्रेस करूंगी जब तक कि सारा इसमें से प्रोडक्ट निकल ना जाए और क्लियर वाटर ना निकले एंड इसको भी मैं डबल क्लेंस करना ही प्रेफर करूंगी। And we are done and I'll quickly wash my hands because it's important.
So this is how my makeup applicators look like after washing and cleansing them. And this is how they look after drying. Super clean and neat and ready to use. And here is the before and after for you guys. I hope you enjoyed this video and make sure to subscribe to my channel if you're new. And a cute giveaway is coming your way, guys. So stay tuned. Take care and stay blessed until we meet next time.